हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए कुछ रेडीमेड वर्ड्स सिखाने जा रहा हूँ। ये रेडीमेड सेंटेंस आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं इन योर कम्युनिकेशन। ये रेडीमेड सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ये सारे वर्ड्स जो सेंटेंसेज मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारे फिक्स हैं, मेड हैं। इनको जैसे इनको लिखा जाता है वैसे इनको बोला जाता है। तो द इफ़ यू लर्न दिस वर्ड दिस सेंटेंसेज, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं बाई लर्निंग दिस सेंटेंसेज। ओके, ये फिक्स हैं इसीलिए इनको रेडीमेड कहा जाता है, मतलब प्री मेड हैं, फिक्स हैं। आप जब चाहें जहाँ चाहें अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन में इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स और लर्न करते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाते हैं। जैसे देखिए, आप कभी कभी जब कम्युनिकेट करते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग हिंदी, तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह के सेंटेंसेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं। अब इनको इंग्लिश में अगर बोलना है तो क्या करेंगे, देखिए पहला क्या है, इधर देखो। ये कॉमन सी बात है, इधर देखो। अब इधर देखो को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लुक हियर, लुक हियर। बेशक, जैसे कोई बात होती है तो आप कहते हैं ना बेशक, हाँ हाँ बेशक, तो उसको क्या इंग्लिश में बोला, ऑफकोर्स, ऑफकोर्स। सचमुच, सचमुच, सचमुच का क्या होगा, सचमुच को इंग्लिश में बोलते हैं रियली। यहाँ ठहरो, स्टे हियर, आप बोलते हो ना कभी कभी कि रुको यहाँ पे, रुकिए मत जाइए, आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए तो यहाँ पे ठहरिए, स्टे हियर। शाबाश, वेल डन, जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो व्हाट वी हम कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेल डन, वेरी नाइस। सो दिस आर द रेडीमेड वर्ड। ये पाँच वर्ड आपने देखे, इनको आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और ये आपकी इंग्लिश स्पोकन को बेहतर बनाएंगे। नॉट ओनली इंग्लिश, वाइल स्पीकिंग हिंदी आल्सो, आप इन इस छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करके अपनी हिंदी को बाइलैंगुअल बना सकते हैं। यू कैन यूज दीज स्मॉल वर्ड्स और अपनी हिंदी बोलते वक्त भी आप इंग्लिश का इनपुट कर सकते हैं। इट विल मेक योर कम्युनिकेशन बेटर एंड वेरी इफेक्टिव, क्लियर। और एक चीज़ देखिए, इसको बनाने के लिए इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लग रहा है, डायरेक्टली यू हैव टू पुट द वर्ब एंड आपको सेंटेंस, आपका एक वर्ड्स तैयार हो जाएगा। जैसे आपको बोलना है यहाँ आओ, तो यहाँ आओ क्या बोलोगे, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, इधर देखो, लुक हियर, ठीक है। तो दीज आर, आप इसको कह सकते हैं इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं और इसमें हम डायरेक्ट मेन वर्ब रख करके बोला जाता है, ठीक है। तो यू विल लर्न दिस सेंटेंसेस, आप हिंदी देखिए, दिमाग में सेट करिए, फिर उसको देखिए उसकी इंग्लिश क्या है, उसको भी दिमाग में सेट करिए और यूज इन योर कम्युनिकेशन। फिर आप क्या देखेंगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रिक्वेंटली इंग्लिश, इधर आओ या इधर देखो, हिंदी की जगह फिर आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलेंगे, क्लियर। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और पढ़ते हैं कुछ और। जैसे देखो, ये लो, ये लो, मतलब कोई चीज़ देने के सेंस में, यह लो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, टेक दिस, मतलब कोई सामान आप बोलते हैं ना, ये लीजिए, तो क्या, टेक दिस। अगर आपको बोलना वो लीजिए तो टेक दैट, ठीक है। यहाँ रुको, स्टे हियर। अगर आपको कहना वहाँ रुको तो स्टे देयर, ठीक है। नहीं, कभी नहीं, नो, नेवर, क्योंकि कोई बात आपसे कोई कहता है, अगर आप उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स देना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं, नो, नेवर, क्लियर। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या आपने कभी किसी जानवर को मारा है, किसी एनिमल को मारा है, तो आप क्या कहेंगे, नो, नेवर, मैंने कभी नहीं मारा, ठीक है। के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने उसकी मदद की, उसके बावजूद उसने मुझ पर शक किया, ठीक है। आई हेल्प हिम, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, आई हेल्प हिम इन स्पाइट ऑफ ही डाउटेड मी, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, वो मुझे शक करता है फिर भी मैंने उसकी मदद की, ही हैव डाउट ऑन मी, ही इवन इन स्पाइट ऑफ आई हेल्प हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीधे बैठो, सिट अपराइट, या सिट स्ट्रेट भी आप कह सकते हैं, सीधे बैठो, ठीक है। तुम सही हो, यू आर राइट, कोई अगर गलत है तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग, आप सही हैं, यू आर राइट, क्लियर। तो दीज आर द रेडीमेड वर्ड जो हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। घूमो मत, डोंट मूव, घूमो मत, डोंट मूव, पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, आगे जाओ, अगर बोलना हो आगे जाओ, गो फॉरवर्ड, पीछे आओ, कम बैक, अभी तुरंत, राइट नाउ, जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी आपसे पूछता है कि अभी अभी काम करना है, तो आप बोलते हैं यस, राइट नाउ, अभी तुरंत, तुरंत जाओ, तो राइट नाउ, दोबारा प्रयास करो, क्या होगा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। सो अभी तुरंत को क्या बोलेंगे, राइट नाउ, दोबारा प्रयास करो, ट्राई अगेन, ठीक
ठीक है। जैसे किसी काम में कोई फेल हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करो, कोशिश करो, ट्राई अगेन। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, उसकी तरफ देखो, लुक एट हर, बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। जो एनिमल की तरफ देखो, लुक एट एनिमल, तो किसी की तरफ बोलना है तो आप लुक एट का यूज करेंगे, ओके। चलिए कुछ और देखते हैं। छुपाओ मत, डोंट हाइड, छुपाओ मत, डोंट हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। अभी तक नहीं, नॉट येट, जैसे क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, यू हैव नॉट टेकन फूड येट, तो नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं। क्या अगर आपसे कहा जाए कि आप नहा लिए तो आप कह सकते हैं नॉट येट, अभी तक नहीं। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो का क्या होगा, डोंट फाइट। कहीं भी सेंटेंस में मत करो का सेंस आया तो डोंट यूज करिए, ठीक है। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। गंदगी मत करो, डोंट डू गार्बेज हियर, ठीक है। गाली मत दो, डोंट एब्यूज्ड। तो लाइक दिस सेंटेंसेस डोंट से बनते हैं। यहाँ यह बेकार है, इट इज़ यूजलेस, यह बेकार है, इट इज़ यूजलेस। यह अच्छा है, इट इज़ यूजफुल। अगर ये होता सेंटेंस, बेकार है तो यूजलेस, अच्छा है तो यूजफुल। यह गंदा है, इट इज डर्टी। यह साफ है, अगर सेंटेंस हो यह साफ है तो क्या हो जाएगा, इट इज क्लीन। यह खराब है, इट इज़ डैमेज। यह अच्छा है, इट इज़ गुड। तो इस तरह से आप ये रेडीमेड छोटे छोटे सेंटेंसेस को लर्न करके अपनी इंग्लिश को स्लोली स्लोली बेहतर बना सकते हैं। दिज आर वेरी ईजी वे। हियर यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी मेथड, एनी थ्योरी, यू हैव टू डायरेक्टली लर्न। जैसे कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस बेकार हैं तो क्या होगा, इंग्लिश भाई बेकार है का इंग्लिश यही होगा ना, इट इज़ यूजलेस। और अच्छा है का इंग्लिश क्या होगा भाई, ट्रांसलेशन ऑफ अच्छा है, इट इज़ गुड, इट इज़ नाइस, क्लियर, ठीक है। मिलते रहना, कीप इन टच, बी इन टच। मिलते रहना का मतलब क्या, कीप इन टच। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप बड़े बिग बिग सेंटेंसेस की फॉर्मेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड लर्न दीज स्मॉल सेंटेंसेस, दीज स्मॉल वर्ड्स, दीज स्मॉल स्टेटमेंट, जो आपकी कम्युनिकेशन को स्लोली स्लोली स्पीड दे देंगे। दीज आर ये जो छोटे वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, आपकी कम्युनिकेशन को हेल्प करेंगे कि आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव करें और बेहतर बनाएं। बिसाइड दिस यू हैव टू स्टडी ग्रामर, द चैप्टर विच आई टोल्ड यू, जो स्पोकन के लिए रिक्वायर्ड है। आपके मेरे वीडियो पे आपको उस सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप थ्योरी पढ़ें, और बाकी ये सारे छोटे छोटे सेंटेंस की फॉर्मेशन को भी प्रिपेयर करते रहें ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख सकें। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, देखिए। जैसे वो कैसे हैं, यहाँ पे होगा ना चाहिए कि वो कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, तो क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाउ आर दे, ठीक है। किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, हु सेड, किसके बारे में, अबाउट व्हाट, किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में, अबाउट व्हाट, ठीक है, किसके बारे में, अबाउट हुम। अब देखो, अबाउट व्हाट का प्रयोग कब किया जाएगा, जब किसी आप थिंक या किसी घटना या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और अबाउट हुम का प्रयोग किया जाएगा जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। किसी के बारे में सोच रहे हैं तो अबाउट हुम आर यू थिंकिंग, क्लियर, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग। आप अगर अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच कर रहे हैं तो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। किस तरह से, इन व्हाट वे, किस तरह से, तो क्या होगा ट्रांसलेशन, इन व्हाट वे। तो देखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये भी हेल्प करते हैं हमें क्वेश्चन पुटअप करने में और क्वेश्चन करने में। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न देम एंड वी हैव टू यूज देम। चलिए कुछ और देखते हैं। इसे लो, टेक इट, इसे लो, टेक इट। और अगर इसे लो की जगह ये करना है उसे दो, तो क्या होगा, गिव मी दैट, उसको दो, गिव मी दैट। कोई चीज़ तो आप मांग रहे हैं, कोई सामान मांग रहे हैं, तो गिव मी दैट, जल्दी आओ, कम फास्ट, और धीरे आओ, कम स्लो, कूदते हुए आओ, कम बाय जंपिंग, दौड़ते हुए आओ अगर बोलना हो तो कम बाय रनिंग। देर मत करो, डोंट बी लेट, या डोंट डू लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट, या फिर डोंट डू लेट। क्या मुसीबत है, व्हाट अ ब्रोड, व्हाट अ बोदर, बोदर का मतलब होता है प्रॉब्लम, बोदर का मतलब प्रॉब्लम होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट अ प्रॉब्लम, व्हाट अ बोदर, बी ओ टी एच ई आर, ये ब्रदर नहीं है, ब्रदर की स्पेलिंग बी आर ओ टी एच ई आर होती है, ये बोदर है, मीन्स टू बी इन द प्रॉब्लम, ठीक है, कोई समस्या हो उसको हम बोदर बोलते हैं। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, ठीक है, नहीं मतलब नहीं, जैसे आपने कोई चीज़, सो अगर आपको कोई चीज़ ऑफर्स कर रहा है और आप उसको नहीं लेना है तो आपने बोला नो, नहीं, तो नहीं मतलब नहीं का मतलब नो मीन्स नो।
सपोज एक बार आपने किसी ने पूछा कि क्या आप दूध पीना पसंद करेंगे, आपने कहा नहीं, फिर दोबारा पूछा नो, तो आप कह सकते हैं नो मीन्स नो, कि मैंने एक बार नो बोल दिया ना, इसका मतलब कि नो है यार। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू टू लर्न स्मॉल स्मॉल फोर सेंटेंसेस सो दैट यू कैन क्रिएट एंड यू कैन स्पीक ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप यू विल लर्न एंड यू विल प्रिपेयर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड गुड लक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।